देख रहे बिंदास बोल और बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं नथुराम गोडसे का। विशेष बात है कि अब तक के हर एक कॉलर ने नथुराम गोडसे का ही पक्ष लिया है, जिस गांधी जी को देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है उनके पक्ष में अभी तक एक भी कॉल नहीं आई है। और एक कॉलर हमारे साथ बात करेंगे, वो भी सुनते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार बोलिए। नमस्कार बोलिए जी। आज तक बहुत साल पहले राष्ट्रपति जी ने एक फिल्म बनाई थी जब पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, तो उस फिल्म के अपने के अंदर एक बोल थे कि नच्चे सांसी चढ़ते देखे झूठे मौज उड़ाते, लोकी कहते रब की माया मैं कहना है न्याय। तो उस गाने के उस बोल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रपति पर केस कर दिया था। तो अब क्या ये फिल्म को सेंसर बोर्ड पे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल यही बात हम संतोष राय जी को थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि क्या सेंसर बोर्ड इसको पास होने देगा। अगर इसमें राहुल गांधी को हीरो ले लिए थे, इस फिल्म में राहुल गांधी को अगर हीरो ले लिए थे तो ये फिल्म सेंसर से पास हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी को क्या भूमिका देते आप, महात्मा गांधी की गोडसे की? कोई भी दे दीजिए सर, महात्मा गांधी की दे दीजिए। धन्यवाद। हम अभी काफी कॉलर है लेकिन संतोष राय जी के पास चलते हैं, क्योंकि संतोष जी इस बात को कुछ बताना चाहते थे कि किस तरीके से पहले भी ये मुद्दे सामने नहीं आने दिए। संतोष जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन ये जजमेंट सुनाई जा रही थी न्यायालय खचाखच भरा हुआ था, और उस न्यायालय में कई पत्रकारगण, वकील इत्यादि लोग मौजूद थे। तो कई पत्रकार अपने नोट्स बुक पर जज की तरफ देख के जब जजमेंट सुनाई जा रही है उस पर नोट्स बना रहे थे। कई पत्रकारों ने फोटो खींचा। जैसे ही पत्रकार बंधु न्यायालय से बाहर निकले तो पुलिस की एक टीम ने पत्रकारों को कस्टडी में लेकर उनके नोट्स फाड़े। जब पत्रकारों ने इसका विरोध किया तो उस समय की पुलिस ने पत्रकारों पर डंडे बरसाए, यहाँ तक कि प्रेस पर पाबंदी लगाई गई, मीडिया पर लाठीचार्ज हुआ। उस समय भी प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला किया गया, प्रेस का मुंह बंद किया गया और कितने ही प्रेस वाले जेल गए। इस बात को कई वर्ष हो चुके हैं, इस बात को शायद मीडिया भूल चुका है। मैं सुदर्शन टीवी के माध्यम से आज ये बात कह रहा हूँ तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि सुदर्शन टीवी ने इस कार्यक्रम को दिखाने की कोशिश की। और एक कोशिश क्या किया, अभी हम पूरा कार्यक्रम ही दिखा रहे हैं, तो इसके लिए सुदर्शन टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा। कॉलर हमारे साथ वेटिंग में, हम उनके पास चलते हैं, काफी बातें और भी सामने आनी है, वो भी हम आपके सामने लाएंगे। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार बोलिए। सुरेश जी, आपने जो ये मुद्दा उठाया है, वास्तव में मीडिया का जो कार्य होना चाहिए, देश के लोगों को उनके बीते हुए कल की सही जानकारी देना और भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनानी है ये जानकारी देना ही सत्य सही कार्य है मीडिया का। बिल्कुल। लेकिन आज मीडिया में आप उठा के कोई भी चैनल को देखिए, सब लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। और संतोष जी जो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अगर हमको फिल्म बनाएंगे, तो मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं आ रहा। जिस ढंग से राजा और ये कनिमोजी छूट रहे हैं, तो ये संतोष जी से पूछिए क्या उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनको सही जजमेंट देंगी। सुप्रीम कोर्ट भी पूरे पूरे शक के दायरे में है आज तो। ठीक है, इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि ये कार्य को कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में देश में सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा करने के लायक स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था से लेकर सारे व्यवस्थाओं के लिए सवालिया निशान है कि उनके ऊपर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और शायद नथुराम गोडसे भी यही कहते थे कि मुझे ये किसी न्यायालय में अगर ये मसला जाता कि भारत का विभाजन का कारण किसे बताया जाए और उसके लिए अगर कोई सजा होती तो ये कारण गांधी होता और उनके लिए सजा मौत होती, ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैंने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत ये सजा दी है। यही बात नथुराम भी कहते थे। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं और क्या उपाय होने चाहिए। गोडसे से संबंधित प्रकाशित विषय वस्तु पर बैन ना लगाया जाए। नथुराम पर बनने वाली फिल्म पर रोक ना लगाई जाए। इतिहास में छुपे सच को बाहर आने दिया जाए। नथुराम गोडसे के अच्छे पक्ष को भी सुना जाए। गोडसे द्वारा दिए गए राष्ट्रहित के मुद्दे को भी सामने लाया जाए। गोडसे की राष्ट्रभक्ति की भावनात्मकता को समझा जाए।
विरोधी विचारधारा के व्यक्ति को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। ये उपाय हो सकते हैं, आप भी बचे हुए समय में अपने उपाय को बता सकते हैं। कॉलर बताना चाह रहे वो भी सुन लेते हैं। नमस्कार। सुशील चैनल का पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने गोडसे के बारे में जो दिखाना शुरू किया है, ये पहला चैनल है जो दिखा रहा है। हेलो। हाँ बोलिए, बोलते रहिए आप। अच्छा सर, जैसे का किसी चैनल ने निमंत्रित नहीं किया है, मैं इनका बहुत शुक्रिया करके पहले दिखाना चाहिए सर गोडसे के बारे में, लोगों को पता चलता कि गोडसे क्या चीज है। बिल्कुल धन्यवाद। हम चलते संतोष राय जी के पास। संतोष जी, आप समय खत्म होता चला जा रहा है और हम आपके सामने वो पॉइंट भी दिखाने वाले हैं, साथ साथ में कई कॉलर अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। अगर आप उपाय की दिशा में सोचेंगे तो क्या उपाय आपको लगते हैं कि जिसके द्वारा ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उसके लिए आपने कोई समाज से अपेक्षा करते हैं या आपने खुद अपनी योजना बनाई है? जी, हमारी पूरी फिल्म यूनिट ने इस पर काफ़ी योजना बना रखी है कि जनता तक इस फिल्म को कैसे प्रदर्शित किया जाए। मेरी पूरी फिल्म टीम इस चीज़ में मेरा सहयोग कर रही है और हिंदू महासभा की पूरा समर्थन मिल रहा है। पूरे संगठन के कार्यकर्ता इस फिल्म के समर्थन में एकजुट हो चुके हैं। और बात इसके हीरो कौन है क्या, वो भी थोड़ा अगर जानकारी दे तो अच्छा रहेगा। जी, मैं आपको हीरो के बारे में बता दूं। मी नाथुराम गोडसे बोलतो के जो मेन हीरो हैं शरद पोंक्षे, जो कि 700 से अधिक प्ले कर चुके हैं। जो अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले गांधी की हत्या या उनके ऊपर गोली चलाते हुए जो दिखाया गया है वो ही है शरद पोंक्षे। जी बिल्कुल। और बताइए फिल्म के बारे में। मैंने कहा था कि यदि सरकार इस फिल्म को प्रतिबंधित करने की कोशिश करेगी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सेंसर बोर्ड से फाइट करेंगे। यदि सरकार इस फिल्म पर रोक लगाती है तो इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रहना चाहिए क्योंकि इसी न्याय प्रणाली ने नथुराम गोडसे पर के दिए व्यक्तियों से जो प्रतिबंध लगा था उस प्रतिबंध को हटाया है। जब माननीय उच्च न्यायालय प्रतिबंध हटा सकता है तो न्यायालय हमारा भी पक्ष सुनेगा और गोडसे पर फिल्म प्रदर्शित होगी। यदि सरकार फिल्म को बैन करेगी तो मेरे को आशा है कि जनता सड़कों पर आएगी और सरकार भी गिर सकती है। चलिए हम एक कॉलर के पास चलते हैं। आप अपनी बात रखने के लिए चंद समय बचा है, उसमें अपनी बात को रखिए। नमस्कार। चैनल के माध्यम से संतोष राय जी को शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम तो मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के बंटवारे का कोई भी अधिकार हम देव पुरुषों को भी नहीं देते। गांधी जी को ये अधिकार किसने दे दिया हमें ये समझ नहीं आया। और इस फिल्म के बनने से ये जनता के सामने आएगा कि वास्तव में बंटवारे के जिम्मेदार कौन लोग थे। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और भीष्म ने देश का बंटवारा किया तो उनको उसका दंड भोगना पड़ा। तो गांधी जी को इस अपराध के लिए और इस गलती के लिए दंड कौन सी अदालत देती? गोडसे के ने इसी चीज को देखकर कि जब कोई और आदमी इसे दंड देने को तैयार नहीं तो अपने मलामत लेते हुए भी वो सामने आए। तो इसलिए गोडसे जी कोई अनपढ़ और पागल हत्यारे नहीं थे जैसे उन्हें प्रचारित किया गया है। तो इस फिल्म के बनने के बाद कम से कम जनता के सामने ये देर से ही सही एक सही पक्ष सामने आ पाएगा, मेरा इतना ही कहना है। बिल्कुल धन्यवाद। आप साथ साथ में स्क्रीन पर उपाय दिखा रहे हैं, हम आपके सामने कारण परिणाम उपाय इस फॉर्मेट में, जैसे कि हम हर बिंदास बोल में मुद्दा लेकर आते हैं और इन तीनों मतलब स्थिति कारण परिणाम उपाय से चारों चीज़ों का आपके सामने रखते हैं, आपके पॉइंट भी इसमें लिए जाते हैं। ये हमने आपके सामने दिखाए हैं। काफ़ी कॉलर और भी बात को रखना चाहते हैं, हम ज़्यादा कॉलर को तो मौका नहीं दे पाएंगे लेकिन समय की कमी है, लेकिन जो भी अब क्यू में वेटिंग में है उनको जरूर थोड़ी थोड़ी बात कहने के लिए मौका मिलेगा। सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी आज रिकॉर्ड ब्रेक प्रतिक्रिया आई है। मुझे शुरू में ये नहीं लग रहा था कि नथुराम गोडसे के इस विषय के लिए फेसबुक, ट्विटर और कूट के ऊपर भी इतनी प्रतिक्रिया आ सकती है। विशेष बात यह है कि जहां पर अब सवेरे सवेरे का टाइम हुआ है उस अमेरिका से भी प्रतिक्रिया आई है और ऑस्ट्रेलिया से लेके दुनिया के काफ़ी तरह देशों में जो sudarshantv.com पर लोग चैनल को देखते हैं उनके द्वारा भी काफ़ी प्रतिक्रिया आई है। ईमेल भी आए हैं और कई फैक्स भी आए हुए। हम आपके सामने बिंदास बोल का नया वर्जन 1 जून से लेकर आने वाले हैं और उसके अंदर हम आपकी फेसबुक, ट्विटर और कूट की जो भी फैसिलिटी दे रहे हैं उसके साथ साथ हम आपको स्काइप लाइव स्ट्रीमिंग और फैक्स भी सुविधा देंगे, जिससे के द्वारा आप अपने अभिव्यक्ति को हम तक भेज सकते हैं, जिसको हम आपके इस अभिव्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों लोगों तक पहुँचाने की
बात करें। हम चलते हैं संतोष राय जी के पास। संतोष जी, आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि गांधी जी का जो वध किया पंडित नाथुराम गोडसे ने, उन्होंने दो बातें कही, वो दो बातें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। भारत सरकार ने गांधी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया न देने का अपना निर्णय बदल दिया। तब मुझे विश्वास हो गया कि गांधी जी की पाकिस्तान प्रस्थिति के आगे जनता के महत्व का कोई महत्व नहीं। दूसरा वक्तव्य पंडित नाथुराम गोडसे का है, गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता, इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। बिल्कुल, मैं साथ साथ में संतोष जी आपको यह भी जानना चाहूंगा कि क्या आपके इस फिल्म को देश के सारे हिंदूवादी या राष्ट्रवादी संगठनों का समर्थन या सहयोग ऐसा कुछ मिल रहा है? देखिए, अभी कुछ संगठन मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, चूंकि मैं खुद भी हिंदू महासभा का नेता हूं, मेरा पूरा संगठन मेरे साथ है। लेकिन हिंदू महासभा ही 3 खेमों में बटी हुई है? नहीं, अभी हिंदू महासभा 3 खेमों में बटी हुई, लेकिन उसका भी निर्णय आ चुका है दिल्ली हाईकोर्ट से, अब हिंदू महासभा एक ही है। चलिए, हम कार्यक्रम के आखिर में आपके सामने कुछ और भी पॉइंट्स रखना चाहते हैं, खास करके वो मुद्दे जो मुद्दे नाथुराम गोडसे ने कोर्ट के सामने रखे थे। हम चाह रहे थे कि इसको कार्यक्रम के आखिर में दिखाएं, क्योंकि शुरू में दिखाकर हम आप लोगों को बोलने का मौका देना चाहते थे कि आप अपने मुद्दे रखें और उसके बाद हम आखिर में नाथुराम गोडसे ने खुद क्या कहा था ये आपके सामने रखे। ये कंटेंट भी हम आपके सामने रखेंगे, साथ साथ में हम आपको ये भी बता दें कि इतिहास की सच्चाई के सामने लाने के लिए बिंदास बोल और सुदर्शन टीवी हमेशा कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। अगर आप हमें ऐसे विषय भेजते हैं तो हम आपके सामने ऐसे मुद्दों को लेकर आते रहेंगे। हम आपके सामने ऐसे मुद्दे लेकर आए, इसलिए आप हमको अपने सुझाव, अपने संदेश भी भेज सकते हैं, और इसके लिए आप हमारे फोन, हमारा ईमेल bindasbol@sudarshantv.com इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में आप हमको लिखकर भी भेज सकते हैं। हमारा पता है sudarshantv.com, हमारा पता है सुदर्शन टीवी चैनल A88 Sector 4 नोएडा, हमारा पिन कोड है 201301। आप हमें फोन भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर में 01202543344 पर भी आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 01202521166। ऐसे कई विषय दर्शक हम तक पहुंचाते हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि पूरी सच्चाई आप तक आए, और ऐसे सच्चाई के द्वारा ही हम आपके सामने ये मुद्दे लेकर आते रहें। बस एक मिनट की देरी है जिसमें हम आपको बताएंगे कि नाथुराम गोडसे क्या कहते हैं अपने हत्या के समर्थन में। मैं संतोष राय जी को पूछूंगा कि संतोष जी, आपको भी ये सवाल लोग काफी पूछते होंगे, आप इसका अगर शॉर्ट में जवाब देना है तो क्या देते हैं? मैं नाथुराम जी का ही वक्तव्य जो उन्होंने माननीय न्यायालय को दिया था वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए, जिसके कारण मैं उनकी सेवा के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, किंतु देश की सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। बिल्कुल, ये इस बात को हत्या के लिए पर्याप्त नाथुराम गोडसे मानते हैं और इसलिए उन्होंने इस बात को रखा है। मैं आपको बता दूं कि ये एक पुस्तक है, जिस पुस्तक में, दो पुस्तकें हमारे पास यहाँ पर हैं और ऐसी कई पुस्तकें आपके जैसे ही दर्शकों ने हम तक पहुंचाई हैं, जिसमें गांधी वध और मैं ये एक पुस्तक है, ये भी गोपाल गोडसे जी ने लिखी है, और एक गांधी वध क्यों, या गांधी वध करने का क्यों उन्होंने किया, ये एक तरीके से इसमें उन्होंने कहा है। ऐसे इसके साथ ही आप अगर इंटरनेट पर जाएंगे तो नाथुराम गोडसे डालने भर से ही आपको उनके पक्ष जानने के कई कंटेंट मिलेंगे। यूट्यूब पर जाएंगे तो भी आपको नाथुराम गोडसे के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेंगी। हम आपको वो पॉइंट भी अभी दिखाते हैं जिसके द्वारा नाथुराम गोडसे ने अपने आपके पक्ष में अपना पक्ष रखा था, देखिए स्क्रीन पर। नाथुराम गोडसे के अनुसार गांधी वध के कारण, नाथुराम गोडसे ने न्यायालय के समक्ष गांधी वध के जो 150 कारण बताए थे उनमें से प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। अमृतसर के जालियांवाला बाग गोली कांड 1919 से समस्त देशवासी आक्रोश में थे तथा चाहते थे कि इस नरसंहार के नायक जनरल डायर पर अभियोग चलाया जाए।
गांधी ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन देने से स्पष्ट मना कर दिया। भगत सिंह व उसके साथियों के मृत्युदंड के निर्णय से सारा देश क्षुब्ध था। वह गांधी की ओर देख रहा था कि वह हस्तक्षेप कर इन देशभक्तों को मृत्यु से बचाए, किंतु गांधी ने भगत सिंह की हिंसा को अनुचित ठहराते हुए जन सामान्य की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 6 मई 1946 को समाजवादी कार्यकर्ताओं को दिए गए अपने संबोधन में गांधी ने मुस्लिम लीग की हिंसा के समक्ष अपनी आहुति देने की प्रेरणा दी। मोहम्मद अली जिन्ना आदि राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के विरोध को अनदेखा करते हुए 1921 में गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। तो भी केरल के मोपला मुसलमानों द्वारा वहां के हिंदुओं की मारकाट की, जिसमें लगभग 150 हिंदू मारे गए व 2000 से अधिक को मुसलमान बना लिया गया। गांधी ने इस हिंसा का विरोध नहीं किया, वरन खुदा के बहादुर बंदों की बहादुरी के रूप में वर्णन किया। 1926 में आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन में लगे स्वामी श्रद्धानंद की अब्दुल रशीद नामक मुस्लिम युवक ने हत्या कर दी। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गांधी ने अब्दुल रशीद को अपना भाई कह उसके इस कृत्य को उचित ठहराया व शुद्धि आंदोलन को अनर्गल, राष्ट्र विरोधी तथा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अहितकारी घोषित किया। गांधी ने अनेक अवसरों पर शिवाजी, महाराणा प्रताप व गुरु गोविंद सिंह को पथभ्रष्ट देशभक्त कहा। गांधी ने जहां एक ओर कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह को कश्मीर मुस्लिम बहुल होने से शासन छोड़ने व काशी जाकर प्रायश्चित करने का परामर्श दिया, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम के शासन का हिंदू बहुल हैदराबाद में समर्थन किया। ये गांधी ही थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी। तो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे नथुराम गोडसे ने खुद अपने तरफ से कोर्ट में कहे हैं। विषय तो काफी बड़ा है, क्योंकि नथुराम गोडसे जैसा एक विचारक, एक प्रचारक, एक संपादक इतनी बड़ी कृत्य को जब करने के लिए सामने आता है तो उसके मन में चल रहे बड़े चिंतन को एक घंटे के कार्यक्रम में वर्णित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमने एक प्रयास किया। इस प्रयास पर भी क्या है आपके राय, आप हमें बता सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि सुदर्शन में, लोकतंत्र और बिंदास बोल में हम आपकी बात को एज इट इज रखते हैं। आज के कार्यक्रम में कोई गांधीवादी भी फोन करके अपनी बात को रखता तो हम उसको भी रखने का मौका जरूर देते, लेकिन एक भी कॉल नहीं आया। इससे हम समझ सकते हैं कि गांधी के नाम को थोपा जा रहा है या गांधी के नाम को स्वीकारा जा रहा है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।